हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय चैनल। दोस्तों मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिक ज्वेलरी मेक योर सेल्फ यूनिक। फ्रेंड्स, आज मैं थोड़ा ओके नहीं हूं, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूं, इसके लिए लाइक करना। और एडिटिंग नहीं करूंगा आज, जैसे है वैसे ही डाल दूंगा वीडियो। एडिटिंग दिस वो जो पत्ती उत्ती फूल पत्ती लगाते हैं वो सब नहीं लग पाएगा। ओके, तो दोस्तों बीम जो होता है, आप बीम के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन सबको होता है कि यार बीम इज व्हाट, बीम इज अ हॉरिजॉन्टल मेंबर व्हिच ट्रांसफर द लोड फ्रॉम स्लैब टू और दैट इज योर कॉलम। और साथ ही साथ ये भी पता होता है लोगों को कि बीम क्या है, टेंशन मेंबर है कि कॉम्प्रेशन मेंबर है। तो कई लोग बोलेंगे सर टेंशन मेंबर है, कई लोग बोलेंगे कॉम्प्रेशन मेंबर है। मैं बोलता हूँ दोनों है, मतलब फ्लेक्सुरल मेंबर है बीम। टेंशन भी होता है इसमें और कॉम्प्रेशन भी होता है। बीम का बहुत बड़ा रोल होता है स्लैब का स्पैन डिवाइड करने में। बीम का बहुत बड़ा रोल होता है। आपको पता होना चाहिए कि जो बीम होती है वो मैक्सिमम कितनी तक जा सकते हो। तो मैं आपको बता दूं, इस काम में स्टील की बीम ज़्यादा अच्छी होती है कंपेयर टू आरसीसी की बीम। आरसीसी की बीम जो होती है उसको आप कैंटिलीवर में मैक्सिमम 3 मीटर तक लेके जा सकते हो, और अगर वो आपका सिंपली सपोर्टेड है तो आप 6 मीटर तक लेके जा सकते हो, और अगर कंटिन्यूस या फिक्स बीम है तो आप मैक्सिमम 8 मीटर तक उसको लेके जा सकते हो। बट स्टील की जो बीम होती है उसको अगर कैंटिलीवर है तो 5 मीटर तक लेके जा सकते हो। अगर वो सिंपली सपोर्टेड है तो कितना है, 5 के बाद आप 8 मीटर तक लेके जा सकते हो आराम से उसको। और उसके बाद अगर हम इसके जो क्या बोलते हैं फिक्स या कंटिन्यूस है इसमें हम लोग अप्रॉक्स 12 मीटर तक लेके जा सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कितने भी एयरपोर्ट पे घूमा या फिर रेलवे स्टेशन पे घूमा, मैक्सिमम देखना वहाँ पर स्टील के बीम्स यूज किए रहते हैं, जिसमें से हॉट रोल स्टील ज़्यादा यूज होता है क्योंकि कोल्ड रोल स्टील बहुत कॉस्टली होता है। उसको भी कभी पढ़ाऊंगा, कभी वक्त मिला तो सोचेंगे जीवन की आपाधापी में। तो मतलब कि बहुत बड़ा टॉपिक है एक्चुअली। तो हम लोग हॉट रोल स्टील यूज करते हैं, जो स्टील ज़्यादा अच्छा होता है मैक्सिमम जो भी एयरपोर्ट या फिर आपका रेलवे स्टेशन होता है उसके लिए। प्लस कहीं भी लॉन्गर बीम डालनी है तो वो प्रीफर करना चाहिए आपके लिए स्टील की बीम्स। साथ ही साथ जो क्या बोलते हैं बीम को, जो मेन काम है बीम का वो है स्लैब को डिवाइड करने में। क्या करने में, स्लैब को डिवाइड करने में। क्यों, क्योंकि मैं आप सबको हमेशा बोलता हूँ स्लैब को कैसे भी करके टूबे में लेकर आने की कोशिश करनी चाहिए। टूबे स्लैब ज़्यादा सेफ होती है। क्यों, क्योंकि उसमें दोनों साइड से मेसिंग्स होती है, दोनों साइड उसमें स्पैन प्रोवाइड करते हैं हम लोग। तो इसलिए आपको टूबे स्लैब में लाने के लिए बीम को ऐसे जगह से ही आपको पार्टीशन देना चाहिए। पूरी प्लानिंग में जब आप प्लानिंग करो तो कोशिश करना चाहिए कि जो बीम हो अंडर दी वॉल रहे, हमेशा क्या रहे, अंडर दी वॉल, वॉल के नीचे आपकी बीम रहे। उस क्यों, उससे क्या होगा, वॉल का जो मेंबर का लोड है वो भी आपका वो ट्रांसफर कर देगा, नहीं तो स्लैब पे इफेक्ट करता है वो, और स्लैब पे इफेक्ट करेगा तो डेफिनेटली स्लैब पे डिफ्लेक्शन ज़्यादा आएगा। तो बेटर नहीं रहेगा, बेटर कि आप उसके नीचे बीम डालो, फिर आपका ईजी हो जाता है ट्रांसफर करना। क्यों, फिलहाल तो स्लैब जो है वो एक मेम्ब्रेन है। क्या होता है, स्लैब मेम्ब्रेन मेंबर होता है। मेम्ब्रेन मतलब क्या होता है, मेम्ब्रेन मतलब फैलने वाला मेंबर। क्या, फैलने वाला मेंबर्स होता है। तो स्लैब करता क्या, अभी हम यहाँ पे बैठे हैं, आपको क्या लगता है ये लोड ये स्लैब उठा रहा है, नहीं, स्लैब दे रहा बीम को। बीम भी बहुत एडवांस है, वो क्या देता है, कॉलम को दे देता है। कॉलम भी बहुत एडवांस है, वो किसको दे देता है, फुटिंग को दे देता है। फुटिंग किसको बड़ा एडवांस है, किसको, ग्रेविटी को दे देता है। तो सब एक दूसरे से पल्ला झाड़ते हैं, कुछ इसी तरीके से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भी होता है। और साथ ही साथ जो बीम होती है, बीम का स्पैन ज़्यादा लॉन्गर मत लेके जाओ। जैसे मैंने आपको बताया कि सिंपली सपोर्टेड में मैक्सिमम 6 मीटर तक लेके जाओ, ये मैक्सिमम केस है यहाँ। और क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो स्लैब होता है उसका स्पैन कितना लेके जा सकते हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि बीम कितनी बड़ी रखे हैं हम। जो स्लैब का स्पैन होता है कैंटिलीवर में अगर आप कर रहे हो तो बहुत कम जा सकते हो, बहुत जाओगे तो 1.5 मीटर, कितना जाना चाहिए, 1.5 मीटर तक कैंटिलीवर वन वे स्लैब आप जा सकते हो। लेकिन अगर टू वे है तो थोड़ा सा रिलायबल होता है, 2 मीटर तक आप जा सकते हो। ये किस डाटा की बात कर रहा हूँ मैं, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स, कॉमर्शियल बिल्डिंग जिनमें 5 किलोन्यूटन तक का लाइन लोड आ रहा हो, बस वहाँ तक के लिए है, बाकी के लिए केसेस में चेंज होता है। ये बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ ओवरऑल। तो 5 मीटर तक के लिए, 5 किलोमीटर लाइव लोड अगर आ रहा है तब तक के लिए आप 2 मीटर तक आप जा सकते हो। अगर टू वे स्लैब है तो कैंटिलीवर, और वन वे है तो 1.5 मीटर तक। चल भाई, बहुत अच्छी बात है। अब सिंपली सपोर्टेड है तो कितना जा सकते हो आप सिंपली सपोर्टेड में, सिंपली सपोर्टेड में आप 3.5 मीटर तक वन वे स्लैब में जा सकते हो, और टू वे स्लैब में आप 4.5 मीटर तक जा सकते हो। कहाँ तक जा सकते हो, 4.5 मीटर तक। फिर कंटिन्यूस में, कंटिन्यूस या फिक्स में आप कहाँ तक जा सकते हो, कंटिन्यूस में आप 4.5 वन वे, इससे ज़्यादा वन वे में मत जाओ।
टूबे में आप 6 मीटर तक जा सकते हो। कहाँ तक जा सकते हो? 6 मीटर तक जा सकते हो। इससे बड़ा स्लैब का स्पैन मत रखना, इससे ज़्यादा रखोगे तो डिफ्लेक्शन आएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ पे मैक्सिमम मतलब मिनिमम की अगर बात करूँ तो मिनिमम रेजिडेंशियल में और कॉमर्शियल के भी जो लाइक नॉर्मल कॉमर्शियल बिल्डिंग्स होंगी उसमें 100 से 200 mm तक थिकनेस रखते हैं किसका, स्लैब का। अब ये मत पूछना कि स्लैब की थिकनेस कैसे निकालते हैं, नहीं तो मैं आपको बता दूंगा कि क्या होता है शॉर्टर स्पैन बाय बेसिक वैल्यू इनटू मॉडिफिकेशन फैक्टर। तो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि बेसिक वैल्यू जो कैंटिलीवर होता है उस कैंटिलीवर के लिए कितना रखते हैं, हम लोग 7 रखते हैं बेसिक वैल्यू, और जो सिंपली सपोर्टेड होता है उसके लिए 20 रहते हैं, और जो हमारा कंटिन्यूस होता है उसके लिए 26 होता है। मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि मॉडिफिकेशन फैक्टर कहाँ से निकालते हैं FS की वैल्यू। तो FS की वैल्यू क्योंकि आपको टेबल में जाके देखनी पड़ेगी, पेज नंबर 38 पर आई थिंक आपको मिल जाएगा FS की वैल्यू। शॉर्टर स्पैन मतलब अगर 3x4 meter का आपका लाइक 3 meter इधर से आपका है भी और इधर से भी 4 meter है तो आपका शॉर्टर स्पैन कौन हुआ 3 meter। तो यहाँ से आप निकाल लेते हो स्लैब की थिकनेस। फिर आज हम लोग बात कर रहे हैं बीम के बारे में, तो जनरली हम फोकस करते हैं बीम पे। बीम के अंदर और क्या चीज़ आपको पता होना चाहिए? बीम में क्रैंक बार डालते हैं। बीम में कई इंटरव्यू में पूछते हैं क्रैंक बार का सेक्शन काट के दिखाओ, कई लोग सेक्शन गलत कर देते हैं। कैसे? वो क्या करेंगे, वो जस्ट ऊपर 2 बार दिखाएंगे, नीचे 2 बार दिखाएंगे और क्रैंक का सेक्शन कट करना भूल जाते हैं, मतलब क्रैंक को दिखाना भूल जाते हैं। तो देखो कि बीम का सेक्शन कहाँ से कटा हुआ है, अगर कॉर्नर से कटा हुआ है तो ऊपर कितने आ जाएंगे 2 बार का लाइन आ जाएगा, फिर नीचे से आएगा, और मीडियम में मिडिल में है अगर काटा गया है तो कैसे रहेगा, नीचे 2 और ऊपर 1 लेयर रहेगा। तो क्रैंक बार लगाते क्यों हैं? क्रैंक बार को वैसे एंगल क्या होता है 45 एंगल पर जनरली हम लोग लेते हैं उसको, और इसका क्या वो क्रैंक लेंथ कैसे निकालते हैं 0.42 D मतलब डेप्थ ऑफ बीम। और क्या बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए क्रैंक बार क्यों लगाते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास कोई भी बीम है तो इस बीम पर अगर हम यहाँ पर लोड लगाएंगे, तो यहाँ पे जब लोड लगाते हैं तो यहाँ पे से आपका क्या होता है नेगेटिव मोमेंट जनरेट होते हैं, यहाँ से नेगेटिव मोमेंट ऊपर आने की कोशिश करेंगे ना, ऐसे आने की कोशिश, अब इस पर बीम लगाओ लोड लगाओ क्या हो रहा है ऊपर आ रहा है, तो ये नेगेटिव मोमेंट जो जनरेट हो रहा है इधर और इधर ये ना हो, तो इसको ऐसे दाब दिया और इसको भी ऐसे दाब दिया तो क्या हो गया क्रैंक, यही क्रैंक है ये और ये, तो इससे क्या हो गया आपका नेगेटिव मोमेंट जनरेट नहीं हुआ, ये फायदा होता है। तो आप सोच रहे हो कि सर फिर आप ऐसे दे दो और ऐसे दे दो क्यों, ये नीचे क्यों देते हैं क्रैंक बार को, तो नीचे आप नहीं भी दोगे तो चलेगा, हमें अपने इंडियन कोड में तो देते हैं बट अमेरिकन कोड में है कि आप यहाँ पे नीचे 2 मेथड दिया हुआ है वैसे, कि अगर आप ये देते हो तो भी चलेगा, अदरवाइज आप इसको केवल दे दो एक्स्ट्रा बार और यहाँ पे दे दो तो भी चलेगा, लेकिन ये लगाने के लिए ईजी होता है इसलिए आपने देखा होगा क्रैंक बार ऐसे जाके फिर ऐसे रोटेट होता है फिर ऐसे जाता है, ये लगाने के लिए ईजी रहता है, तो ये मेथड भी फॉलो कर सकते हो आप इसके अंदर। इसमें स्टील का परसेंटेज आपको पता होना चाहिए कि बीम में मैक्सिमम 4% स्टील आप ले सकते हो, 4% से ज़्यादा स्टील लोगे तो वाइब्रेट करने में प्रॉब्लम आएगी, सो मैक्सिमम 4%, वैसे 4 तक जाते नहीं, 2% तक में इनफ होता है बट जानना भी पड़ता है जो हमारी बीम लॉन्गर होती है। जब बीम लॉन्गर होगी मैं आपको बता दूँ, मैं कल भी बताया था इकोनॉमिकल हो जाती है बीम, क्यों? क्योंकि फिर उसका डिफ्लेक्शन का चांस बढ़ जाता है। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना रख सकते हो एज पर IS 456 पता है क्या? बताओ, नहीं पता है। स्पैन बाई 250 कितना रख सकते हो? स्पैन बाई 250 रख सकते हो, मतलब अगर आपने स्टैट पे आपने एनालिसिस की एक बीम की, स्टैट पे एनालिसिस से याद आया कि 28 अक्टूबर से स्टैट की बैच स्टार्ट है, मैं जल्दी अनाउंस कर दूंगा उसके बारे में, तो आपका जो बीम है वो बीम का अगर आप उसके ऊपर लोड लगा रहे हो तो लोड लगाने पर कितना डिफ्लेक्ट हो जाए, तो आप देखते होगे अपना जो स्टैट्रो है या फिर ETAB है उसमें डिफ्लेक्शन आ जाता है कितना, 5 mm, 8 mm, ये पास है कि फेल है ये पता नहीं चलता है, तो इसका एक क्राइटेरिया है, क्या क्राइटेरिया है, स्पैन बाई 250 कर दो तो हमें पता चल जाएगा अगर उसके अंदर वैल्यू आ रही है मतलब सेफ है, उसके ऊपर जा रही है डेंजर है। इवन ये तो नॉर्मल टेम्परेचर के लिए, मतलब जैसे अभी मैं जिस टेम्परेचर में हूँ इस टेम्परेचर के लिए, बट अगर आप कहीं जम्मू में या फिर शिमला में जहाँ पर टेम्परेचर बार बार वेरी कर रहा है ऐसे जगहों पे आपको रखना पड़ेगा स्पैन बाई 350, क्योंकि वहाँ पर डिफ्लेक्शन ज़्यादा चल नहीं पाता है, तो आप क्या रखना पड़ेगा आपको स्पैन बाई 350। साथ ही साथ एक और कन्फ्यूजन अभी मुझे कल ही देखने को मिला, वो ये था कि कुछ बच्चे सोचते हैं जो थ्योरी केवल पढ़े रहते हैं प्रैक्टिकल नहीं, क्योंकि मैक्सिमम लोग अभी नहीं गए उनके साइड पे, तो उनको ये लगता है कि सिंगली बीम में केवल और केवल नीचे बार पड़ता है ऊपर बार नहीं पड़ता है। नहीं भाई, अगर ऊपर बार नहीं डालोगे तो स्टील कैसे लगेगा आपका, तो उसके लिए 2 ऊपर एंकर बार डालते हैं और नीचे आपका मेन बार डालते हैं, और टू वे में तो आपको डब्ली में तो आपको पता ही है कि डब्ली क्या होता है, ऊपर भी डालते हो नीचे भी, और साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए टू वे कब यूज़ करना है और वन वे कब यूज़ करना है,
क्या है, मैं स्लैब के बारे में क्यों जा रहा हूँ बार बार, डबली क्यों कब यूज़ करना है, सिंगली कब यूज़ करना है। तो सिंगली तब यूज़ करना है जब आपको डेप्थ का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहे जितना डेप्थ नीचे आ सकते हैं। और साथ ही साथ क्या बोलते हैं, सिंगली डबली तब यूज़ करते हैं जब लॉन्गर स्पैन हो प्लस डेप्थ का क्राइटेरिया हो कि इससे ज़्यादा डेप्थ मत ले जाओ, तो बेटर होता है कि वहाँ पे डबली बीम आप यूज़ करोगे तो बेटर रहेगा। डेप्थ निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, जो स्पैन बाई 16 से आपने विड्थ उसका डेप्थ निकाला था उसको अगर वो डिवाइड बाई 1.5 कर दोगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके तो आपको विड्थ पता चल जाता है उसका। और एक और बहुत अच्छी चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, कॉलम का विड्थ जो भी दो वो बीम के विड्थ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसका आपको फुल फोकस रखना है। लोग गलत कर देते हैं तो बाद में लोड ट्रांसफर में प्रॉब्लम आती है आपके स्ट्रक्चर्स में। तो ये थे कुछ इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू बीम, होप आपको मज़ा आया होगा अबाउट बीम जान के। कई चीज़ें बीम में नई मिली होंगी, कई चीज़ें आपको पता रही होंगी। अभी हम लोग बात करेंगे स्लैब के बारे में, लेकिन आज नहीं, कल बात करेंगे स्लैब के बारे में। हम लोग देखेंगे स्लैब का इन्फॉर्मेशन, फिर देखेंगे स्टेयरकेस के बारे में डिस्कस करेंगे, डॉगलेग स्टेयर क्या होता है। उसके बाद हम लोग फिर डिस्कस करेंगे अपना लेआउट किस तरीके से बनाना चाहिए, फिर एक एक एलिमेंट की एनालिसिस कैसे करते हैं, फिर डिज़ाइन। बहुत बड़ा प्रोसेस है, धीरे धीरे जाएंगे, लेकिन जैसे आपने फर्स्ट वीडियो को लाइक किया था वैसे इसको भी करके देना, क्योंकि आपके लिए मैंने माइक का भी अरेंजमेंट कर लिया, लगभग लगभग सब कुछ अरेंज कर रहा हूँ। जल्दी ही बात चल रहा है कैमरा का भी, कैमरा भी जल्दी से ले लूँगा, तो आपके सारे प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो आप भी क्या करो, सपोर्ट कर दो, बस कुछ नहीं करना है। हीरो और हीरोइन का वीडियोज़ तो डालते ही अपने व्हाट्सएप पर, तो जो सनी लियोनी का लगाते हैं उसके जगह पे एक मेरा भी वीडियो व्हाट्सएप पे लगा दो यार, उस पे लोगों को लिख दो शेयर सब्सक्राइब इफ़ यू वांट टू इंक्रीज योर नॉलेज। साथ ही साथ आपको मैं बता दूँ, मेरा भी जैसे कि मैं बोला कि तबीयत डाउन है, बट फिर भी मैं आज सैटरडे है तो सैटरडे को मैं बाहर जाता हूँ आउटिंग के लिए, थोड़ा मूड फ्रेश हो जाता है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम में आपको समझ में आता होगा पूरा दिन काम, आप ये सोच भी नहीं सकते कितना मेहनत। सुबह कल तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई, सुबह मॉर्निंग में 7 o'clock से रात को 1 बजे तक काम किया और एकदम बोल गया ख़त्म। तो इसलिए रिफ्रेशमेंट ज़रूरी होता है, आपको ही बोलूँगा पढ़ाई करो, पढ़ाई के साथ रिफ्रेशमेंट भी ज़रूर लो, उससे क्या होता है बॉडी रिचार्ज हो जाती है पूरी अच्छे तरीके से। और मेरे इस मेहनत को थोड़ा सा लाइक करके बता दो, और साथ ही साथ क्वेश्चन पूछो, क्योंकि आप क्वेश्चन पूछोगे तो मुझे ये भी आइडिया लगता रहेगा कि आपको किस पोर्शन में कमी है अभी, किस पोर्शन के बारे में आप नहीं जानते हो। मैं उन टॉपिक्स को नहीं कवर करना चाहता हूँ जिन टॉपिक्स के बारे में ऑलरेडी लोगों ने वीडियो बनाए रखे हैं। तो मेरा हमेशा कंटेंट ही यूनिक रहा है, मैं किसी का कंटेंट देख के वीडियो बनाना वो मुझे आता नहीं है और मैं कभी करूँगा भी नहीं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, अब मैंने टाइप्स ऑफ बीम्स नहीं बताया, सिंपली सपोर्टेड, कंटिन्यूअस, कैंटिलीवर, मुझे पता ही आप हर जगह पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ के चले आए हो, तो मैंने आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो मेरा था वो मैंने आपके साथ शेयर किया, जो मैंने देखा है, जो मैंने डिज़ाइन किया है, वो सारी चीज़ें हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो कैसा लगा फीडबैक देना मत भूलिए, और अगर आपको ब्लॉग देखना है तो आकाश पांडे ब्लॉग वाले चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ब्लॉग कल आएगा। तो मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।